सब वेस्ट हो गया। मैंने बहुत ही घटिया डिसीजन लिया, अपने लाइफ का सबसे घटिया डिसीजन लिया मैंने हेयर कलर कराने का। जो कलर चाहिए था वो मिला भी नहीं। यू गॉट दिस कलर जो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहिए था। रिजल्ट आया था वो इतना ज़्यादा डरावना था कि आई कांट इवन टेल यू। आई फेल्ट लाइक मैंने क्या कर दिया है, पैसे वेस्ट। तब से मैंने घर लिया है तब से ये चल ही रहा है, बस ये रुक ही नहीं रहा है। हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट माई हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, माई वर्जिन हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, कि मैंने कहाँ कराया, मैंने कौन कौन सा हेयर कलर कराया है, मैंने कितने पैसे दिए हैं और मैंने कोई ट्रीटमेंट भी लिए नहीं लिया। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू इफ इट्स लॉन्ग लास्टिंग और नॉट, पैसे बर्बाद तो नहीं हो रहे। तो गाइज, मुझे ऑलरेडी 4 मंथ्स हो चुके हैं। मैंने जनवरी में कराया था हेयर कलर एंड इट्स ऑलरेडी मे, तो हाँ मुझे 4 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 5 मंथ्स होने को है। मैंने सोचा था कि जब थोड़ा टाइम बीत जाएगा तब मैं वीडियो बनाऊंगी कि इज़ इट इवन वर्थ इट और नॉट टू गेट योर हेयर कलर्ड। और मैंने ट्रीटमेंट भी कराई है, सो आई थॉट कि मैं सब कुछ का मिक्स रिव्यू एक ही साथ दूंगी। सो येस, पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी और उसके बाद आई विल टेल यू इफ़ इट्स वर्थ इट और नॉट। सो येस गाइज, लेट्स गेट इन दिस वीडियो। क्या बोल रही हूँ मैं, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड गेट इन टू दिस वीडियो, क्योंकि शाम भी होने वाली है और उसके बाद लाइटिंग अच्छी नहीं होगी गाइज। सो दिस इज़ हाउ माई हेयर यूज़ टू लुक लाइक बिफोर आई गॉट देम कलर्ड। देख रहे हो गाइज, वैसमॉल का ऐड कर सकती थी लड़की, बट ठीक है, आई स्टिल चोज टू गेट माई हेयर कलर्ड। एंड एट दिस पॉइंट आई वॉज नॉट रियली श्योर इफ आई वॉन्टेड टू गेट अ हेयर कट और नॉट, क्योंकि मेरे बाल लंबे काफ़ी हो चुके थे, बट मुझे हेयर कट लेने का बहुत ज़्यादा मन नहीं था क्योंकि बहुत टाइम के बाद बाल बढ़ते हैं। मूविंग ऑन, इन्होंने मेरे बाल में सबसे पहले लगाया था ऑयल डेवलपर, और ऑयल डेवलपर में इन्होंने या तो कोई हेयर क्रीम मिक्स किया था या फिर कोई कलर मिक्स किया था ताकि मेरे बाल लाइट हो सके, सिंस आई स्ट्रिक्टली ऑप्टेड फॉर नो ब्लीच। और जैसे आप देख सकते हो कि फॉइल में फोल्ड करके फिर ये उसको ऊपर की तरफ रखते जा रहे थे। ऑल्सो गाइज, द कलर आई वेंट फॉर वॉज चॉकलेट ब्राउन एंड हनी ब्राउन, सिंस मैं फर्स्ट टाइम हेयर कलर करा रही थी एंड ब्लैक टू ब्राउन जाने में उसमें ब्लीच की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बाई दिस टाइम आई वॉज डन विद द फर्स्ट कोटिंग, और इसके बाद कोई भी आ रहा जा रहा था तो मेरा ऐसा फील हो रहा था कि मैं कहाँ अपनी शक्ल छुपा लूँ। एंड इसका वेट भी इतना ज़्यादा था गाइज, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉइल इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। बट एनी वे, मूविंग ऑन, इसके बाद उन्होंने रिमेनिंग पार्ट जो थे ना, जो फॉइल के अलावा बचे थे, उसमें भी कुछ मिक्सचर लगाया था। दैट वॉज सम अदर मिक्सचर, वो मुझे ध्यान में नहीं है, बट एज यू कैन सी जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें वो मिक्सचर अप्लाई करके ये फॉइल के ऊपर ही रखते चले जा रहे थे, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन भी ना हो और सारा मिक्सचर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ऑल ओवर माई हेयर। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये फॉइल की वजह से मेरे को इतना हैवी फील हो रहा था, जस्ट इमेजिन कि जब पूरे बाल पे मिक्सचर लग गया प्लस आपने फॉइल में भी डाल दिया तो कितना ज़्यादा हैवी फील हो रहा था। और पता नहीं मैं क्यों अपनी अजीब सी शक्लें बना के वीडियोज़ ले रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। देन उन्होंने मेरे बालों में शैम्पू किया और शैम्पू करने के बाद से फिर ब्लो ड्राई किया। आप देख सकते हो कि कलर ऑलरेडी आ चुका है। This was lighter than I expected, but I was hoping कि चलो ठीक है, blow dry होने के बाद शायद से better लगेगा। But blow dry होने के बाद जो result था, I'm not going to say anything. Please, आप लोग खुद देखो और उसके बाद judge करना कि मेरी हालत कैसी होनी चाहिए उस point पे। Have a look. मतलब ये literally वो color है जो color छिपकली नहीं होती, जिस कलर की वैसा कलर किया था इन लोगों ने, और मेरा दिमाग यहाँ पे कितना ख़राब हो गया था। बट आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू मेंटेन माई काम एंड कूल कि ठीक है, उन लोगों ने क्योंकि मुझे पहले ही बोल दिया था कि 2-3 कोटिंग तो होगी कलर की, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है अब चलेगा। एंड दिस इज़ हाउ आई वॉज लुकिंग दैट डे। नॉट इवन किडिंग, मेरा इतना मजाक बना था कि आई कांट इवन टेल यू। नेक्स्ट डे जब मैं वापस से गई तो उन्होंने वापस से शैम्पू और कंडीशनर किया एंड देन ही अप्लाइड अ मिक्सचर टू माई हेयर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ताकि वो जो कलर मेरे को चाहिए था वो आए। और मैं सेकेंड डे बिल्कुल शांति से बैठी हुई थी, मैं अपना माइंड प्रिपेयर करके गई थी कि इफ थिंग्स गो रॉन्ग मुझे शायद से लड़ना पड़ेगा कि मुझे वो कलर जो हमने डिसाइड किया था वो करके दो आप। बट थैंकफुली गाइज, उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। और जो मिक्सचर ये लगा रहे ना, ये लगाने के बाद इन्होंने 30-45 मिनट्स मेरे को बैठने बोला था ताकि वो जो मिक्सचर है वो डीपली पेनिट्रेट कर सके मेरे रूट्स में और जो एक्चुअल कलर चाहिए हमें वो आ सके। तो आई वॉज सिटिंग पेशेंटली वेटिंग फॉर द एंड रिजल्ट एट
at this point. And the big moment of reveal, this is how my hair turned out after the hair wash and the blow dry. मुझे नहीं पता था कि मुझे ये baby दूसरी तरफ से देख रहा है. I was so focused on my hair and how the color looked on me कि मैं video edit करते समय ये notice कर रही हूँ. But I'm not gonna lie, patience लगा but hair color turned out to be worth it. मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि I decided कि मैं कोई haircut नहीं लूँगी. मैंने आगे से सिर्फ लेस कटवा लिया and I was extremely happy with the result. आप लोगों को ये हेयर कलर मेरे ऊपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना. सो यस गाइस, दैट वाज इट. कमिंग टू माय कलर, एज यू कैन सी द कलर, इट्स बिन 4 मंथ्स और अभी मेरे बाल की कंडीशन कुछ ऐसी है. यू कैन मेक आउट द डिफरेंस ऐसे हल्का, बहुत ज़्यादा क्लियरली पता तो नहीं चलेगा, बट यू कैन सी कि ऐसे दो शेड्स का वो मिक्स आता है अगर इफ़ यू सी वेरी क्लोजली, या फिर आप धूप में देखो तो. करेंटली आई एम इन माई रूम तो आपको इतने अच्छे से पता नहीं चलेगा, बट येस देर आर टू कलर्स. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने ये हेयर कलर करवाया है देहरादून के स्पैरो यूनिसेक्स सैलून से. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उन लोगों को टैग कर दूंगी या फिर मैं उनकी आईडी मेंशन कर दूंगी, यू कैन चेक देयर पेज. और शिवाय नाम था उन हेयर स्टाइलिस्ट का जिनसे मैंने कलर करवाया था, जिन्होंने मेरी हेयर ट्रीटमेंट भी करी थी. ठीक है, सो येस. उसके बाद कमिंग टू द कॉस्ट, सो द हेयर कलर वॉज अराउंड 3 to 4 thousand, क्योंकि जो हेयर स्टाइलिस्ट थे उन्होंने ये भी बोला था कि मेरे बालों में मैंने मेहंदी लगाई हुई थी, तो उस वजह से उन्होंने बोला था कि वो हटाने का 1000 एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है. अदरवाइज इट वुड हैव बिन 3000 आई एम गेसिंग. तो 4000 वॉज फॉर जस्ट द हेयर कलर, एंड फॉर द प्रोटीन ट्रीटमेंट विच आई गॉट डन इट वॉज 4000 अगेन. तो वो 4000 प्लस 4000 इट वॉज 8000 एंड गाइस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकती. ये जब से मैंने घर लिया है तब से ये चल ही रहा है, बस ये रुक ही नहीं रहा है. पीछे घर बन रहा है, इस घर का भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर इट. आप लोगों में से बहुत लोगों को ये भी कंसर्न होगा कि हेयर कलर कराने के बाद डैमेज हुआ या नहीं हुआ, या फिर हेयर ट्रीटमेंट कराया उसका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ. तो आई एम गोइंग टू गिव माई वेरी ऑनेस्ट रिव्यू कि गाइज, अगर आप हेयर कलर कराते हो, ठीक है, चाहे जैसे मैंने कराया, मेरे वर्जिन हेयर थे, मैंने फर्स्ट टाइम कराया था अभी हेयर कलर, तो आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड. मैंने बहुत फर्मली बोला था कि मुझे ब्लीच नहीं कराना है, क्योंकि मैंने कभी हेयर कलर कराया नहीं था एंड आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि ब्लीच कराने के बाद मेरे बाल बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे. तो आई वॉज़ लाइक कि ब्लीच नहीं यूज़ करना है. ऑल्सो अगर आप ब्लीच नहीं यूज़ करते हो तो डैमेज थोड़ा कम होता है इन कंपेरिजन टू वेन यू यूज़ ब्लीच. सो येस, आई वॉज वेरी फर्म. मैंने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ एक दिन पहले डिस्कस करा था कि मैं ऐसे कलर्स सोच रही हूँ. अब जो पहले दिन का रिजल्ट आया था वो इतना ज़्यादा डरावना था कि आई कॉन्ट इवन टेल यू. आई फेल्ट लाइक मैंने क्या कर दिया है. आई वॉज इन डिनाइल कि मैंने क्या किया है और मैंने क्यों किया है, मैंने क्यों लिया ये डिसीजन, क्यों कराया मैंने हेयर कलर. पैसे वेस्ट, हेयर की तुम्हारी वॉल्यूम वेस्ट, जो कलर चाहिए था वो मिला भी नहीं. यू गॉट दिस कलर जो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहिए था, गोल्डन कलर. एनीवे गाइस, बहुत डिसअपॉइंटेड थी मैं. फर्स्ट डे को मैंने होप्स ही छोड़ दिए थे, मुझे लगा था कि सब वेस्ट हो गया. मैंने बहुत ही घटिया डिसीजन लिया, अपने लाइफ का सबसे घटिया डिसीजन लिया मैंने हेयर कलर कराने का. बट कट टू द नेक्स्ट डे, जब मैं वापस गई और फिर उन्होंने वापस से मेरे हेयर कलर किया, मतलब वापस से उन्होंने कोटिंग की कलर की, और उसके बाद से जो कलर आया हेयर वॉश के बाद टर्नड आउट सो ब्यूटिफुल. आई वॉज सो हैप्पी कि हाँ, मुझे यही कलर चाहिए था एंड आई एम हैप्पी. और बाल बहुत स्मूथ भी लग रहे थे, तो आई वॉज सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग. तो हेयर कलर कराने के ना इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में तुरंत से नहीं हो रहा था मेरे को हेयर फॉल. आई गेस फॉर फर्स्ट वन मंथ मेरे को इतना हेयरफॉल का इशू नहीं आया था. इट्स आफ्टर दैट व्हेन इट स्टार्टेड कि बहुत ही ड्राई से होने लग गए थे मेरे बाल. और आई गेस सेकेंड थर्ड मंथ में बहुत अच्छे से हेयर फॉल हुआ है मुझे. आई वॉज सो स्कैर्ड कि मैंने, पता नहीं मुझे कराना चाहिए था या नहीं कराना चाहिए था, बट अभी वापस से सब सही है. मतलब मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हो रहा है अभी, टू बी ऑनेस्ट. ऑल्सो मे बी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट द स्टाइलिस्ट सजेस्टेड. तो जब हेयर कलर करा लिया है तो उसके बाद से आपका शैम्पू बदल जाएगा, आपका कंडीशनर. वैसे तो आई वॉज नॉट सजेस्टेड कंडीशनर, मुझे सिर्फ शैम्पू और हेयर मास्क सजेस्ट किया था उन्होंने, तो मैं वही यूज़ करती हूँ. एंड अगर आपको जानना है कि मैं कौन सा शैम्पू और हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसका यूट्यूब शॉर्ट्स बना के डालने वाली हूँ. आई विल पोस्ट इट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो फॉर श्योर.
तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ऑल्सो प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया था तो वो सेफ है नहीं है, कराने का फ़ायदा है या फिर नहीं कराना चाहिए। सो यस गाइज, जब मैंने कराया था तो मुझे उस टाइम पे तो नहीं पता था। प्रोटीन ट्रीटमेंट से बेसिकली होता क्या है कि आपके बालों में जो प्रोटीन की कमी होती है वो वापस से रिटेन करते हैं, आपके बाल ज़्यादा टूटे नहीं, फ्रिज फ्री रहें, उसके लिए होता है ट्रीटमेंट। जो मैंने प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया है उसके मैं इतने फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा विजिबल डिफरेंस नहीं है। जो हेयर फॉल हो रहा था वो अभी भी हो रहा है, अगर हेयर मास्क ना लगाओ तो बाल वैसे ही फ्रीजी हो जाते हैं। और प्रोटीन ट्रीटमेंट कराते समय जो हेयर स्टाइलिस्ट, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। मतलब अगर मैं ऐसे करती हूँ और मेरे बाल आ रहे हैं, मेरे हाथ में अगर दो बाल भी आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल दो स्टैंड्स भी आ रहे हैं, तो ही वाज लाइक कि आपके ज़ीरो हो जाएंगे बिल्कुल। तो वो चीज़ नहीं हुई है। तो मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट आपको नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि जो रीज़न देके उन्होंने मुझे कन्विंस किया था कि ज़ीरो हेयर फॉल हो जाएगा वो नहीं हुआ। सो आप अपने खाने में प्रोटीन इन्फ्यूज़ करो, आप प्रोटीन इनरिच्ड फूड्स खाओ, इट्स बेटर देन टेकिंग एनी प्रोटीन ट्रीटमेंट फॉर योर हेयर। उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट यू आर जस्ट लूजिंग अ मनी। हाँ, बट अगर आपको हेयर कलर कराना है तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट द सैलून। आप वहाँ जा सकते हो या फिर आप कहीं भी जा सकते हो और आप अपना हेयर कलर करा सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी विथ हाउ माई हेयर टर्नड आउट। तो मैं हेयर कलरिंग के अगेंस्ट तो नहीं हूँ, बट हाँ अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो तो फिर वो मतलब आप अपने हिसाब से देखो। येस, आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स तो मैंशन कर ही दिए हैं, कुछ पचा नहीं है आई फील। अगर आपके और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं रिप्लाई कर दूंगी, मैं वहीं पे उसके आंसर्स कर दूंगी। सो यस गाइस, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने सारी चीज़ें बहुत क्लियरली बताई हो और आपको आइडिया मिल गया हो कि आपको क्या कराना चाहिए और कैसे कराना चाहिए। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय।